अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे ऑल। रीड इन हिंदी चैप्टर नंबर 5, भाषा उपवन। हमने आप कल पढ़ा था चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसका अभ्यास कार करेंगे। ओके, हमारा आज का टॉपिक है अभ्यास कार। इसमें दो एक्सरसाइज दी गई है, 1 एंड 2। ओके, इसमें हमारे दो एक्सरसाइज दी गई है, तो आज हम पहली बार एक्सरसाइज करेंगे। चित्रों के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उनके नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इसका नेम राइट करना है। ओके, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये आपने देखी है, आप इसे जानते भी होंगे, आपने इसे कभी कभी यूज़ भी किया होगा। तो ये पिक्चर किसकी है? ये है एक थर्मस की। किसकी है? थर्मस। तो यहाँ पर राइट करेंगे थर्मस। क्या बन गया? थर्मस। ओके, इसी तरह देखिए हमारी एक ये दूसरी पिक्चर्स आपने इसे देखा होगा, आप इसे जानते होंगे। ये है एक तरकश की पिक्चर्स। किसकी पिक्चर्स है? तरकश। इसे बोलेंगे हम तरकश। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे तरकश। क्या राइट करेंगे? तरकश। तारा तर कशाकश, तरकश। तो हमने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? तरकश। अब देखिए ये पिक्चर्स आपने देखी है, आप इसे जानते हैं। ये है एक अजगर की पिक्चर्स। किसकी पिक्चर्स है? अजगर। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? अजगर। आजा अज गारागर, अजगर। हमारी 4 पिक्चर्स, ये पिक्चर्स आपने देखी होगी, आप इसे जानते होंगे। ये है एक अदरक की पिक्चर्स। किसकी पिक्चर्स है? अदरक। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? अदाअत रकारक। क्या बन गया? अदरक। अब ये पिक्चर्स आपने देखी होगी, आप इसे जानते होंगे। ये है एक कसरत की पिक्चर्स। ये देखिए, ये जो पहलवान है, ये लड़का, ये कसरत कर रहा है। क्या कर रहा है? कसरत। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? कसाकस रातारत। क्या हो गया? कसरत। अब हमारी ये 6 पिक्चर्स, ये पिक्चर्स आपने देखी होगी, आप इसे जानते होंगे। ये है एक बरगद की पिक्चर्स। ये पेड़ है ना, इस पेड़ का नाम है बरगद। क्या है? बरगद। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बराबर गदागद, बरगद। देखिए मैंने ऐसे राइट कर दिया है, आपको इसी तरह से बुक्स में और नोटबुक में राइट करके मुझे भेजना है। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी है और सेकेंड एक्सरसाइज हम आपकी कल कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ माई डियर स्टूडेंट्स।